ये चार चीज़ों से कोई भी लड़की आपके लिए पागल हो जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, लव ट्यूब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अक्सर हम ये बात करते हैं कि लड़कियां हमारे प्यार में पागल कैसे हो जाएं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो हम में होनी चाहिए। कुछ ऐसी खास वजहों के कारण लोग हमारे और अट्रैक्ट होते हैं। आज के वीडियो में मैं ऐसी चार बातें आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात है ट्यून विथ बॉडी। हाँ, आपकी जो बॉडी है वो आपके जो काम है, आपकी बातें हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज है, उसके साथ ट्यून अप होनी चाहिए। अब ये कैसे होगा? जब आप अपनी बॉडी को समझ रहे हैं, अपनी बॉडी पे काम कर रहे हैं। कई लोग होते हैं जो जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, योगा करते हैं, कम से कम स्ट्रेचिंग करते हैं, अपने बॉडी पे काम करते हैं। उनको पता होता है कि अपने बॉडी की कितनी ताकत है, क्या कर सकते हैं वो। जब भी वो किसी के सामने बोलते हैं तो पूरी बॉडी लैंग्वेज के साथ बोलते हैं। लेकिन अगर आपकी बॉडी आपके साथ ट्यून अप नहीं है तो खो तो होगा क्या? आप बोल रहे हैं लेकिन आपकी बॉडी कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे। बॉडी लैंग्वेज के नाम पे जीरो। कुछ लोग होते हैं जो एक्टिव होना चाहते हैं लेकिन बॉडी की वजह से एक्टिव ही नहीं होते। तो आपको अपनी बॉडी के ऊपर काम करना है, अपने शरीर के साथ ट्यून अप बिठानी है। और ये सबसे बड़ा कारण है कि लड़की आपकी ओर अट्रैक्ट होगी, क्योंकि जब भी आप बॉडी को अच्छे बनाने की सोचेंगे तब उसको हाइजीन रखेंगे, अच्छे से रखेंगे, फ्रेग्रेंस होगी, कपड़े पहनने की अच्छी कोशिश करेंगे आप, तो ये सब होता है। एक मजबूत फील करेंगे आप अंदर से। दूसरा है डीप थिंकर। हर चीज में आप ज़्यादा सोचने वाले हैं। सिर्फ ऐसे नहीं कि शक पैदा करते, प्रॉब्लम खड़े करते हैं, नहीं, आप सच में सोचते हैं और ये दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ। तो डीप थिंकर जो होते हैं वो लड़कियों को ज़्यादा पसंद आते हैं, क्योंकि हर कोई दिमाग अपना चलाना नहीं चाहता, क्योंकि हर किसी को उसमें एक ऐसी उबन महसूस होती है। लेकिन आप ये करते हैं तो आपके लिए लोग प्यार बरसाएंगे। तीसरा है ऑब्जर्विंग नेचर। अगर आपका नेचर ऑब्जर्व करने का है तो आप अच्छी कॉमेडी भी कर पाएंगे, आप किसी को अच्छे से प्रेजेंट भी कर पाएंगे। तो ये नेचर का होना बहुत ही खास है। लड़कियाँ इसके लिए पागल होती है, क्योंकि हर किसी के पास ये नहीं होता। हर कोई बैठकर देखता नहीं रहता कि क्या चल रहा है आसपास, वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। हर कोई अपने दिमाग के तौर पे एक आलसी हुआ पड़ा है। ऑब्जर्विंग नेचर के लिए भी आपको अवेयरनेस बढ़ानी होगी। अगर ये करते हैं आप तो लड़कियाँ पागल होगी। अब आखिरी और चौथा है सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंड। जो दिमाग सॉल्यूशन के बारे में सोचे, जो दिमाग ये सोचे कि किस तरह से इस प्रॉब्लम से निकला जाए, प्रॉब्लम को ख़त्म किया जाए। लोग तो पहले प्रॉब्लम आते हैं तो रोने लगते हैं, ऐसे लड़के तो बिल्कुल पसंद नहीं आते। लेकिन जो लड़के प्रैक्टिकल माइंड के साथ सॉल्यूशन ढूंढते रहते हैं, अच्छा ऐसा क्यों हुआ, अब इसका क्या किया जा सकता है, अच्छा ये सॉल्यूशन है, चलिए ये करते हैं। सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंड डिसीजन देता है, और यही पावर लड़कियों को अट्रैक्ट करती है और प्यार में पागल करती है। तो ये चार चीज़ें, ट्यून अप विथ बॉडी, डीप थिंकर, ऑब्जर्विंग नेचर, सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंड, चारों चीज़ें आप में होती है, गारंटी देता हूँ कोई भी लड़की आपके प्यार में पागल होगी, क्योंकि आप में एक अलग चीज़ें दिखेगी। कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सी चीज़ें आप में नहीं हैं और आप उसे डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, फ्रेंड, वीडियो को देख रहे हैं सारे जी ए बी एफ रांझा मझोला, जो भी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई भी सवाल या सुझाव हो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिए। थैंक यू दोस्तों। नो बेटर, लिव बेटर।